गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग वरुण की वरुण वरुण की वगैरह वरुण की वरुण होती बहुत इंटरेस्टिंग। वरुण की मॉर्निंग हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग, फ्राइंग पैन साफ करने के साथ चाय बनाने के लिए। तो वरुण कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी और मैं प्रियांश को ऑयलिंग वॉयलिंग करके सुला सुलू के आई हूँ। जस्ट एंड यहाँ पे ना एक पानी बॉटल रख दिया इसकी बॉटल्स के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:45 बजने में, अभी 10 मिनट है। तो धूप बहुत ही बढ़िया निकली है, कल भी अच्छी निकली थी, आज भी अच्छी निकली है, पर मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ पहन नहीं रखा है, मैं ब्लैंकेट में से ही निकली हूँ इसलिए। तो मैं इसकी बॉटल एक बार बॉयल कर देती हूँ और फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ते में बनाया आज ब्रेड ऑमलेट, यहाँ चाय रख गई है, बॉटल बॉयल हो रही है और मैं लंच में सोच रही हूँ बीन्स की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो प्लान है ना बहुत ही तगड़ा होने वाला है हमारा। प्लान कुछ ये होने वाला है कि अभी 10:45 बज रहे थे ना, हाँ मैं 10:10 पर रियांश को लेके जाऊंगी नहलाने के लिए। तब तक वरुण ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद 10:30 बजे तक वरुण रियांश को ले जाएंगे धूप में, और धूप में ले जाएंगे फिर 11:30-12 तक वरुण रखेंगे, फिर मैं पहुंच जाऊंगी, फिर मैं रखूंगी 1-1.5 घंटा। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं लंच बना के जाऊँ ताकि आके जस्ट मुझे रोटियां डालनी हो, आटा भी लगा जाऊंगी। वरुण कैसी रोटी खाओगे इससे, गेहूं की बाजरे की मक्के की किसकी? गेहूं की। हाँ हमने तक पूरे दिन गेहूं की रोटी नहीं खाई, कल भी परसों भी शायद है ना। तो बस आटा बटा लगा के तैयार होकर जाऊंगी मैं। आप जब लौट के आना तो एक छाछ ले आना। तो छाछ बीन्स आलू एंड रोटी हमारा होने वाला है लंच 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 एंड ऑमलेट चाय है नाश्ते में। ऑमलेट चाय काफी हैवी हो जाती है, अच्छी बात है। सो यहाँ पे ऑमलेट की पूरी तैयारी हो गई है, बस अब मैं रख देता हूँ, मैंने गैस चला दी है और चाय भी बन चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने 5 अंडे डाले हैं, 1 हरी मिर्च, 1 प्याज और थोड़ा ओरिगेनो, नमक, मिर्च, दाल और थोड़ा चाट मसाला। चलो मैंने भी यहाँ पे सारी तैयारी कर ली अपनी। तैयारी मेरी सब्जी कट गई है, वॉश हो गई है और मेरा जीरा है खत्म हो गया, तो मुझे गरम मसाले में से जीरा निकालना पड़ता है। मतलब जीरा तो है बट वो पैकेट निकालना पड़ेगा, तो इतना भी टाइम ही नहीं हो पाता कि पैकेट निकालो, तो मैं इसमें से निकालती रहती हूँ और सब्जी छोंकने जा रही हूँ बस मैं। आज हम ज्यादा स्पीड से काम नहीं कर रहे सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है नींद में सारे काम करे जा रहे हैं। चलो ठीक है, ऑमलेट बनाते हैं। ओके बच्चे आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना स्टैंड को बाहर निकाल के रख दूँ। और देखो प्रियांश यहाँ पे सो रहा है आराम से। 10:30 बज गए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है आज, मतलब बहुत अच्छी वाली धूप निकली है, बहुत अच्छी वाली। कल भी वैसे धूप निकली थी वरना पिछले 5-6 दिन से ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। और यार कपड़े तो इतने धुलते हैं ना डेली, प्रियांश का तो एक स्लॉट डेली लगना ही लगना होता है, इवन फिर हमारा भी 2 दिन में एक बार तो लग ही जाता है। और यार्श का तो डेली एक स्लॉट है और उसके कपड़े ना सूखने भी दिक्कत आती है, तो मुझे ब्लोअर से सुखाने पड़ रहे थे क्योंकि मैं घर में धूप तो आती नहीं है, बट अभी ये है कि एटलीस्ट इतने तो सूख जाएंगे कि ड्राई ड्राई हो जाएं, बाकी फिर मैं ब्लोअर से वैसे सुखा दूंगी। और मैं उसको कुछ भी पहनाती हूँ ना कभी भी, तो मैं उसको पहले ब्लोअर से गर्म करती हूँ तभी पहनाती हूँ। आजकल ना कपड़े वार्डरोब में रखे रखे भी ठंडे से हो जाते हैं, तो मैं एक बार ब्लोअर करके उन्हें उसके बाद उसे पहनाती हूँ कपड़े। सो स्टैंड मैंने रख दिया, मशीन लगानी है, ये देखो कपड़े और इसमें अभी हैं और अभी हमारे उतरेंगे, तो मशीन में लगाऊंगी नहाने के बाद, सब लोग नहा लेंगे तब। और मैंने ना रूम वूम पूरा सेट करके रख दिया है, तो ये रूम पूरा पूरा सेट हो गया है, यही सब मैं कर रही हूँ सुबह से। फिर धूप के लिए चले जाऊँगा तो आंटी आएंगे काम वाली, तो फिर वो क्लीन तब भी रहेगा, वो ढंग से क्लीनिंग तब भी कर देंगे, इसलिए ना मैंने सब सेट कर दिया। अगर झाड़ू पोछे से पहले डस्टिंग हो जाए ना तो घर बहुत सॉर्टेड लगता है। साथ में हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है तैयार। ओह माय गॉड, थैंक यू। ब्रेड ऑमलेट, चाय भी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तभी खाएंगे, आ जाओ अभी लेके अपने। करते ना चीजें लेट हो गई, 12:30 बज रहे हैं और वरुण अभी लेके जा रहे हैं यांश को धूप में, यांश पूरा नहा धो के गया तैयार। और पता है आज क्या हुआ, मैं ना क्लीनिंग ऐसी कर रही थोड़ी सी, तो मुझे ना एक पिटारा मिला बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला, दिखाती हूँ क्या।
एक ना मुझे प्लास्टिक का बॉक्स मिला तो उसमें मेरी काफी सारी चीजें लगी थी, तो मैं उसमें से अच्छी अच्छी चीजें तो छांट ली हैं और बेकार बेकार मैंने सारा फेंक दिया है। तो ये नेक पीस ये बहुत साल पुराना है, लाइक 7 से 8 साल पुराना है, बट ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहना ही नहीं है। एक ये है और ये भी पुराना है, ये वरुण ने शेरवानी पे पहना था अपना शादी में, तो ये बहुत अच्छा लगेगा पहनने पे किसी साड़ी पे। ये मेरा एंगेजमेंट का है एंड हाँ ये मैंने लिया था हेयर के लिए, और ये भी हेयर एक्सेसरी है, ये बहुत अच्छी अच्छी है, तो मैंने ये सब निकाल लिया है। अभी है ना कभी कोई पुरानी चीज मिलती है तो लगता है क्या क्या छाट लो क्या क्या देख लो, तो वही हुआ। ये सब किया मैंने, प्लांट्स पूरे सेट किए, मतलब थोड़े से प्लांट्स ना ऐसे डेडलिंग्स हो रही थी काफी ज्यादा, एक्चुअली थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा, तो वो सारी सही की। पूरा मैंने घर खोल दिया है वेंटिलेशन के लिए, धूप निकली हुई है अच्छी, सब्जी मेरी बन गई है, आटा मेरा लग गया है एंड रियांश की बॉटल वॉटल साफ हो गई है, और ये रूम तो पूरा सेट हो गया। मैंने पूरा नीचे से ये सब भी क्लीन कर दिए। अभी रियांश यहाँ पे सो रहा था तो मैं बेडरूम क्लीन करूंगी क्योंकि यहाँ पे ना वो सो रहा था, तो सारी चीज हो गई। हवा चल रही है वैसे तो अभी थोड़ी, पर धूप बहुत अच्छी निकली है, काफी ज्यादा डेड लीव्स हो गई थी, तो अभी ना ये प्लांट मैंने पूरा अच्छे से वॉश किए हैं, यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया, क्लीनिंग से पहले कर दिया मैंने। कई बार होता है तो मैं सोचती रह जाती थी क्योंकि फिर लगता था यार सफाई हो गई है पूरे में पानी पानी हो जाएगा, ठंडक होगी, कभी ठंड रहती थी। ये रियांश का टॉय तो, लेकिन आज का मैंने कभी सफाई भी नहीं हुई है, धूप भी निकली है, तो कर दो ये काम। बेडरूम में पूरा क्लीन हो गया और ब्लैंकेट ना मैंने बाहर डाल दिया क्योंकि धूप तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ हवा आ जाती है फ्रेश एयर लग जाएगी तो ठीक है। और शाम को मैं मशीन लगाऊंगी, अभी तो वरुण भी नहा के नहीं गए हैं तो उनके भी कपड़े होंगे एंड मेरे भी होंगे, तो फिर सारी एक साथ मशीन लगाऊंगी। और पता है क्या हुआ, एक चीज़ बताती हूँ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना इसमें ये जो लगते हैं ना बैंगल का, ये मेरे दोनों खो गए हैं, आई डोंट नो कहाँ हैं, या तो कहीं रखे हुए हैं, तो मैंने वरुण से दूसरे मंगवाए थे, बहुत मुश्किल से मिले, और ये जो मिले थे ना ये ना थोड़े से बड़े हैं, ये मुझे घिसवाने हैं, लाइक देख लो ना यहाँ तक फंस रहे हैं, यहाँ पर तो सही से फिक्स हो गए हैं, ये थोड़े थोड़े से लाइक इतने इतने घिस जाएंगे ना, इतने इतने बिल्कुल सेट हो जाएंगे, तो ये काम हो जाएगा ना, उससे क्या होगा, ये सब तो देखो शॉर्ट है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैस्ड अप है क्योंकि ये स्पेस की कमी बढ़ रही है, और ये तो देखो सॉर्टेड है, यहाँ पे पूरा कचड़ा बना हुआ है इस वाले में क्योंकि इसमें पूरी बैंगल्स रखी हुई हैं सारी, उसके बाद फिर ये सारा सामान रखा हुआ है, तो बैंगल्स अगर मेरी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे तो वो सारा सामान अपने आप से सॉर्ट हो जाएगा, सो ये मुझे करना है आज। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि नहाने के बाद फिर मुझे जाना है नीचे धूप में एंड वरुण आ जाएंगे ऊपर, मैं नीचे चली जाऊँगी। अभी वरुण 1-1.5 घंटा तो रहेंगे, वो भी धूप खा लेंगे, फिर मैं धूप खा लूँगी और यांश तो टोटल धूप खाएगा दोनों के साथ अलग अलग। नहा ली मैं और मैंने ना बाल पहले ही धो लिए थे, बाद में नहाई थी, बट अभी ओपन नहीं किया, नीचे जाके ओपन करूँगी। बहुत ठंड लग रही है, मतलब ठंड नहीं लग रही है बट हाँ फिर भी गीला गीला ना मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और वरुण वापस आ गए थे, रियांश भी आ गया था, तो मैं रियांश को लेके फिर से जा रही हूँ। एंड मैंने पहना ये वाला कुर्ता, ब्लैक बिंदी लगाई है इसके साथ मैंने क्योंकि मैंने ब्लैक प्लाजो पहन रखा है। 1:45 बज रहे हैं और मैं 2:30 या 3 बजे तक आऊँगी, उसके बाद आके सेकेंगे रोटियाँ एंड खाना खाएंगे, यही होता है रूटीन पता है। सुबह से देखो 8 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना आपके साथ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस क्या कहें। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट में मेरे बाल सूख जाएंगे, बहुत दिन बाद मेरे को लगता है मैंने धूप खाई है, 8-10 दिन से 10-12 दिन से धूप ही नहीं खाई है। लास्ट मैं 2-3 हफ्ते पहले आई थी संडे में, बीच में फिर मम्मी और वरुण आए थे अकेले, बट मैं आई नहीं पाई थी, मैंने व्लॉग शेयर किया था कि मुझे काम था, और फिर धूप नहीं निकली 4-5 दिन। अभी कल भी धूप निकली थी, कल नहीं आ पाई थी मैं, आज बड़ा सही है, धूप भी निकली है खूब अच्छी, तेज़ हवा बिल्कुल नहीं है, और हेयर वॉश भी किया। विंटर्स में लगता है ना हेयर वॉश, जिस दिन हो उस दिन धूप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया मज़ा आ जाता है। वैसे मुझे बहुत सारा काम करना है बट आज धूप खा लेते हैं, और रियांश यहाँ पे मस्त सो रहा है, इसको भी धूप में बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को तो लगती है ना ये सोता रहता है धूप में आराम से, जब से धूप में आया ना तब से सो रहा है नहा धो के, क्योंकि ये भी आज नहाया, मैं इसे रोज़ नहीं नहलाती हूँ, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो मैं इसको ऑल्टरनेट डे नहलाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा ठंड होती है तो मैं 2 दिन तक नहीं नहलाती हूँ, बट ना गीला कपड़े से पूरा वाइप आउट कर देती हूँ अच्छे तरीके से, बट आज सब बढ़िया है। ये देखो मेरे 2 फ्रेंड्स आ गए, 4:15 बज रहे हैं, और मैंने वहाँ पे कहा था ना मेरे 2 फ्रेंड्स आए हैं, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने वहाँ खड़े खड़े बातें की और फिर वो लोग घर पर आ गए, यहीं पास में ही थे, तो फिर वो लोग चल ठीक है चल रहे, मैंने कहा चलो घर पर चल रहे हैं, और इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे थे, शायद 1.25 घंटा बैठ के गए हैं, तो पूरे में सामान फैला पड़ा है, मैं दिखा रही थी कुछ सामान, ये वाला सारी साड़ियाँ जो आई थी, चाय नाश्ता कप वप सब ऐसे रखे हैं। 4 बजने आ रहे हैं, मैं रोटी सेकने जा रही हूँ।
चाय बना ली थी ना मैंने, तो फिर उसने सब में बातों में लग गए, बस रोटी डाल देती हूँ। अच्छा हुआ कि वो मैंने तैयारी कर रखी थी अपनी, इसलिए कहते हैं हमेशा खाने की तैयारियां होनी चाहिए। और रियांश कर रहा है अभी प्ले, रियांश को मैंने सुला दिया है, उसे ना नींद आ रही थी तो उसको मैंने सुला दिया है। खाना बन गया है, खाने में मैंने तो खाया था पराठा। अच्छा किस किस को ना अच्छा सूखी सब्जी से पराठा खाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने बीन्स आलू से पराठा बनाया था अपने लिए, वरुण ने रोटी खाई थी, थोड़ी सी सब्जी बच गई है, मतलब बहुत थोड़ी सी, छोटी सी कह रही हूँ, थोड़ी सी बच गई है। और ये मैं ना गैस वैस क्लीन करने आ गई थी, क्लीन तो हो गई है, बस एक बार पहुँच लेती हूँ। सारा सामान उठा के रख दिया है, और मैंने आटा ना ज़्यादा लगा लिया था ताकि रात में भी काम आ जाए। रात में देखते हैं क्या बनाना है। बड़ा खाने का ऐसा लगता है मुझे कभी कभी यार, मतलब जैसे कि चलो ठीक है खाते हैं, मुझे खुद खाने का इतना शौक है, हाथ आ गया था मेरा, बट लगता है यार कितना खाते हैं खाना, दोपहर का फिर रात का फिर नाश्ता फिर ये फिर वो, कितनी चीज़ हो जाती है ना बहुत। और आज तो है फ्राइडे, कल है सैटरडे, और इतना बातें बातें करके मैं भी थक गई हूँ एकदम। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं, क्योंकि मेरे को सोना है तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी एंड फिर शाम को उठती हूँ और तभी मिलती हूँ आप लोगों से। एक घंटे का नैप तो लूंगी, रियांश के पास ही जा रही हूँ क्योंकि फिर वो उठेगा अभी फीड के लिए, तो मैं एक घंटे का नैप तो लूंगी। एंड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू फीडिंग, और बॉटल यूज़ क्या कर रही हूँ, और सेल्फ फीड करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ, एंड और भी लोगों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, पता है 2022 में एक्चुअली मैंने सोचा है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस इंसान के बारे में मुझे बात नहीं करनी है पर्सनली, अगर कोई पूछ भी रहा है तो मैं इग्नोर करने वाली हूँ उस मैसेज को, तो हाँ मैं बस इग्नोर करने वाली हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, है ना, क्योंकि कहने के लिए फिर बहुत कुछ है। बट आई डोंट वॉन्ट टू से एनी सिंगल वर्ड, और यार नहीं मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता अब तो, आपको जो बोलना है बोलते रहो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं हमारे मैसेज इग्नोर कर रही है, ये कर रही है, इतनी बार पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ एक बात, जो चीज़ मुझे लगता है हाँ बतानी चाहिए मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो मुझे लगता है आप शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना, कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, एक आध परसेंट तो होती है ना, तो वो चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ, डिस्कस नहीं करती हूँ आगे, सो वो वाली बात है। चलो मैं सोती हूँ थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ आपसे। वरुण का ऑफिस चल रहा है, 5 बजने वाले हैं, 4:45 में एक घंटा सो के आ रही हूँ। ओके शाम की चाय पियोगे? हाँ थोड़ी देर में बना दूंगा। मैं नहीं पीऊंगी, मैंने तो पी ली। ठीक है चलो फिर बाय बाय गुड नाइट। कितनी? हाँ बहुत है, रात के ना बज गए हैं 10:15। आपका ऑफिस कब बंद हो रहा है वरुण? बस 15 मिनट। ये 15 मिनट मतलब एक घंटा, ये सच वाले 15 मिनट? सच वाले 15 मिनट कोशिश है, कोशिश सच्चाई पे आ गए ना कोशिश। तो 10:15 बज गए हैं, कपड़े वपड़े धोए, घर पे बात की, फोन पर एक घंटा वीडियो कॉल किया, एंड अभी 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 धीरे रियांश सो रहा है। और अभी मैंने क्या किया, हाँ क्या किया, घर पे बात की, और आज डिनर में कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं। क्या बना रहे हो? बस कुछ नहीं, सब्जी गर्म कर रहा हूँ। अच्छा कुछ ना ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है स्पेशली, तो वरुण खा रहे हैं, सब्जी रखी है सुबह की, तो वरुण तो खाएंगे रोटी, एंड मैं खाने वाली हूँ ऑमलेट, भेलपूरी और कोल्ड कॉफी, तीनों चीज़ मिला के खाने वाली हूँ मैं, मतलब मिला के नहीं, मतलब तीनों चीज़ खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा है, तो मैं भेलपूरी खाऊंगी, बहुत दिन से खाई भी नहीं है, और पेट फिलअप के लिए ऑमलेट खाऊंगी एंड कोल्ड कॉफी, मेरा मन कर रहा है पीने का। अभी रिसेंटली हमने कोल्ड कॉफी बनाई थी रात में, रिसेंटली नहीं एक हफ्ते पहले जब मम्मी थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। तो अब पता है क्या हुआ था, मैं आपको एक बार बताती हूँ, हम लोग ना अभी मॉल गए थे, मतलब जिस दिन मुझे फोन लेना था ना, जो मेरा वाला फोन है, तो मैं और मम्मी पहले मॉल गए थे वहाँ फोन लेने के लिए, तो फोन हमारा मिला नहीं, मतलब मतलब बैंक का ना उस दिन सारी बैंक का सर्वर डाउन था, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे, तो क्या हुआ फिर हमने सोचा कि चलो भाई कॉफी पी लेते हैं, और वहाँ पर ना ऊपर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉफी का कुछ नया खुला था, तो मतलब काफी टाइम से है, बट हमने सोचा चलो यहीं पी लेते हैं। बिलीव मी वो जो कॉफी का ग्लास था ना, लिटरली उसमें 80-90% बर्फ थी, क्यूब्स थे, उसमें दूध नहीं था, मतलब हम उससे मतलब पी रहे थे ना सिर्फ बर्फ मुंह में, यार मतलब क्या, और इतनी महंगी कॉफी, बहुत गुस्सा आई, बहुत गुस्सा। और अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने बोला क्यों नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना जरूर बोल के आऊंगी उसे, भाई तू भाई कॉफी बना ले यार, मतलब इतनी इतनी बर्फ, वो भी इतनी ठंडी में, मतलब ऐसी बर्फ थी वरुण के खारे क्रश वाली बर्फ होती है ना, पूरी की पूरी क्रश की हुई बर्फ थी, बताइए मतलब खाना पड़ रहा था मैं, मतलब हर बाइट में खानी पड़ रही थी कॉफी की,
मतलब इतने बेकार, बहुत ही बेकार। और हमने उस दिन जो बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, है ना? हाँ बढ़िया थी एकदम। हाँ कोल्ड कॉफी घर पे इजीली बन जाती है, टेस्टी भी लगती है। आप पियो गए आज? या बस? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ओके बस मैं पीऊंगी। मैं ना यांश के लिए हम लोग ये केसर लेकर आए थे दूध में डालने के लिए। चलो फिर क्या? अच्छा अपनी सब्जी गर्म कर रहे हैं, फिर मैं रोटी सेक दूंगी।